हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं HDFC फ्यूचर बैंकर्स के इंटरव्यू अपडेट की। अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुकी है HDFC फ्यूचर बैंकर्स की नेक्स्ट बैच के लिए। आपकी जो इंटरव्यू हो रही है अभी और होने वाली है वो किस बैच के लिए है, इसके बारे में बात करेंगे हम। आप में से बहुत लोग ये पूछते हैं कि HDFC फ्यूचर बैंकर्स की नेक्स्ट बैच की वैकेंसीज कब आएगी, तो ये एक बहुत ही बड़ा डाउट है फ्रेंड आपके मन में, तो इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। एंड सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं इस फ्यूचर बैंकर्स के लिए। जो भी इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, इसकी वैकेंसी नहीं आती है। इसके वेबसाइट पर अप्लाई नाउ के बटन हमेशा ऑन रहती है। आप जब भी इंटरेस्टेड हैं, आप ये जब भी वीडियो देख रहे हैं, आप उसके वेबसाइट पर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस वेबसाइट पर आकर के अप्लाई नाउ का बटन आपके सामने में, आप वहां क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में, आप एक बार एलिजिबिलिटी पढ़ लें। ज़्यादा मैंने इसके पहले पहले वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आप इसकी एलिजिबिलिटी वेबसाइट पर पढ़ ले, अगर आप एलिजिबल है आप इसकी अप्लाई कर सकते हैं। डोंट वेट कि इसकी वैकेंसीज कभी आने वाली है, वैकेंसीज कब आती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप इंटरेस्टेड हैं आप इस वेबसाइट पर आइए, आकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके मन में जो ये डाउट है कि वैकेंसीज कब आती है, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड कि आप यहाँ जब अप्लाई कर देंगे देन आपकी एक एग्ज़ाम होती है, आपकी एक इंटरव्यू होती है। तो अगर आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर अप्लाई कर चुके हैं, तो अप्लाई करने के आपको विदिन 10 डेज आपको एक ईमेल आती है जिसमें टेस्ट की लिंक होती है, आपको उस टेस्ट को देना होता है। अगर आप उस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे देन आपकी इंटरव्यू होती है। तो हमने आपके लिए बनाया कुछ सैम्पल क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं आपके सामने में, ये HDFC फ्यूचर बैंकर्स की सैम्पल क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन। एंड ये कंबाइंड फॉर्म एक्सिस AB, ICICI, PO, HDFC फ्यूचर बैंकर्स, एक्सिस PBRM। आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस वन कंबाइंड वन, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको हर प्रोग्राम के, हर प्राइवेट बैंक प्रोग्राम का नॉलेज हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको प्रिपेयर जो करना होगा, आपको प्रिपेयर पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना होगा। आपको सैम्पल क्वेश्चन ये आइडिया देंगे कि क्वेश्चन के लेवल क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ ये आइडिया मिलेगा। अगर आप किसी एग्जाम की, किसी गवर्नमेंट बैंक की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इसके बारे में पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन के लेवल काफी ईजी रहते हैं। बट अगर आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई जरूर करना पड़ेगा, और एग्जाम में बैठने से पहले आप ये सैम्पल क्वेश्चन एक बार जरूर देखें, ठीक है। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे देन आपकी होती है इंटरव्यू। हमने इंटरव्यू के लिए एक डिटेल बना रखा है वीडियो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमने उसको सैम्पल आंसर तैयार कर रखे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें बोलनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं बोलना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना है, कैसे आपको बोलना है इंटरव्यू के सामने, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। तो आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस के टिप्स मिल जाएंगे इस PDF में। दोनों की बाय करने के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बाय कर सकते हैं। इंटरव्यू में बैठने से पहले आप एक बार इसे जरूर देखें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 है। हमने सारे क्वेश्चंस को आपको टिप्स दे रखा है कि आपको इस क्वेश्चंस में आपको ऐसे आंसर प्रिपेयर करना है, आपको ऐसे आंसर देना है। तो आपको उसे एक बार जरूर देखना चाहिए इंटरव्यू में बैठने से पहले। एंड ये जो आपको कंबाइंड एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर हैं, आप इसे बाय करें, क्योंकि नॉट ओनली आप HDFC फ्यूचर बैंकर्स, आप और सारे बैंक्स के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए कंबाइंड वाला ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो फिर अब हम बात करेंगे इंटरव्यू के अपडेट की, इंटरव्यू की रिजल्ट की, और आपकी इंटरव्यू किस बैच के लिए हो रही है। तो अभी अगर आपने अभी अप्लाई किया होगा और आपकी एग्जाम हो चुकी है, अगर इंटरव्यू हो रही है, क्योंकि 25th को अभी बहुत लोगों की इंटरव्यू हुई थी HDFC फ्यूचर बैंकर्स की, तो उनको डाउट है कि उनकी इंटरव्यू किस बैच के लिए हुई है। माय डियर, बैच 4th जो है HDFC फ्यूचर बैंकर्स की, वो ज्वाइन हो चुकी है 25th अगस्त को, ठीक है। अब जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं वो बैच 5th के लिए हो रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए आपकी जो इंटरव्यू हो रही है वो बैच 5th के लिए हो रही है, ठीक है। अगर आपने अभी अप्लाई कर रखा है, आपकी एग्जाम नहीं हुई है, तो आपको शायद लेट हो सकता है। बट ये बैच 5th जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है, बट मे बी क्योंकि बैच ये लेट स्टार्ट हो, क्योंकि जो भी डेट देते हैं वो टेंटेटिव डेट होता है और वो डेट एक्सटेंड होता है। तो जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, अभी एग्जाम अभी नहीं हुआ है, एग्जाम अभी होने वाला, एग्जाम हो चुका है, इंटरव्यू बाकी है, आप सबकी मे बी बैच 5th में ज्वाइनिंग हो जाए अगर आपकी टाइम पर इंटरव्यू क्लियर हो जाती है। तो बाकी जो भी अभी इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं, जिनकी इंटरव्यू हुई है, उनकी बैच 5th के लिए ही है। एंड बात करें अगर इंटरव्यू के रिजल्ट की, आपने जो इंटरव्यू दिया है उसके रिजल्ट की, तो ये थोड़ा रिजल्ट निकालने में, रिजल्ट देने में टाइम लगाते हैं, और ये रिजल्ट आपको मोस्टली उसी समय देते हैं जब इनकी बैच की ज्वाइनिंग की डेट जो है वो कंफर्म हो जाती है। जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है वो चल रही है सिर्फ उसी बैच 5th के लिए। जब भी बैच 5th की कंफर्म ज्वाइनिंग आ जाएगी, डेट आ जाएगी, तो ये जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं अभी, उन सबका एक महीने पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले आपको ईमेल आ जाती है कि आप बैच 5th के लिए ज्वाइन, आप सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड बहुत लोगों को पहले से भी मेल आ रही है, आ चुकी है बैच 5th की ज्वाइनिंग के लिए। तो वो कैंडिडेट्स हैं जो आपसे पहले अप्लाई कर रखे हैं, इंटरव्यू क्लियर कर रखे हैं, आपसे 2-3 महीने पहले अप्लाई कर रखे हैं लॉकडाउन में ही, तो उनको भी मेल आ चुकी है बैच 5th के लिए, और बैच 5th की जो डेट है वो अक्टूबर में दी गई है उनको, बट एक्सटेंड होगी डेट, तो आप भी शायद उसमें आ सकते हैं। अदरवाइज आपकी फिर ज्वाइनिंग 6th बैच में भी हो सकती है अगर कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे तो, जिनको ईमेल पहले से जा चुका होगा। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट HDFC फ्यूचर बैंकर्स इंटरव्यू अपडेट, रिजल्ट
अपडेट एंड एग्जाम प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन अपडेट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। एंड आप उसे बाय कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।